नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एम सिक्स श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। हम लोग अक्सर एल्गो ट्रेडिंग के बारे में अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज और अलग अलग इंडिकेटर्स के थ्रू ट्रेडिंग करना बताते हैं। आज भी हम ऐसे ही एक इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। इंडिकेटर का नाम है दोस्तों मूविंग एवरेज और हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर की। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको आपकी पसंदीदा मूविंग एवरेज आपको पता है जिस पे आप ट्रेडिंग करते हैं, तो उस मूविंग एवरेज का यूज़ करके क्रॉसओवर का आप इस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेडिंग करेंगे उस प्लेटफॉर्म का नाम है एल्गोक्रैब। एल्गोक्रैब एक मल्टी ब्रोकर एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे 10 से ज़्यादा ब्रोकर्स हैं। आप कोई भी अपना फेवरेट ब्रोकर चूज़ कर सकते हैं और उसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एल्गोक्रैब में आपको अलग अलग ब्रोकर जैसे कि 5paisa, एलाइस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा एंड फायर्स, मास्टर ट्रस्ट, इस तरीके से अलग अलग ब्रोकर्स मिल जाते हैं। जो भी आपका फेवरेट ब्रोकर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं और एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जो अभी आप देख पा रहे हैं ये एल्गोक्रैब की वेबसाइट है, आपको जाना होगा www.elgocrab.com पर। ये बात मैं जो बता रहा हूँ वो है उन न्यू व्यूअर्स के लिए जो सबसे पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक हमारी वेबसाइट पर साइनअप नहीं किया है, उन लोगों को हमारी वेबसाइट elgocrab.com पे जाके साइनअप करना होगा। और जैसे ही वो साइनअप का बटन प्रेस करेंगे तो साइनअप का बटन प्रेस करने के बाद एक वेबसाइट एक पेज खुलेगा। इस पेज पे आपको जाने के बाद अपनी क्रेडेंशियल्स फिल कर देनी है। क्रेडेंशियल्स फिल करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा, उस ईमेल को आप कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने से आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा और फिर वो आपको साइन इन के पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। साइन इन करने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखता है, मैं आपको साइन इन करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने साइन इन कर दिया। साइन इन करने के बाद हमें डैशबोर्ड दिख रहा है। डैशबोर्ड में हमें सिग्नल्स की इन्फॉर्मेशन आती है कि टोटल कितने सिग्नल आए हैं इस महीने में, कि टोटल कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है और एक्यूरेसी क्या आई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा नीचे हमारी स्ट्रैटेजीज हैं, कस्टमाइज स्ट्रैटेजी जो हमारे खुद की हैं, उन पर अगर आपको काम करना है तो आप उन पर भी काम कर सकते हैं। और अगर आपको काम करना है अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजीज पे तो उसके लिए भी हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप हमारा स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। उसके बाद हम आपको कोटेशन बता देंगे कि कितने पैसे इसको डेवलप करने में लगेंगे। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करा सकते हैं और उसके थ्रू भी एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं कंटेंट की तरफ और मूविंग एवरेज को किस तरीके से इंस्टॉल करना है और किस तरीके से उसको यूज़ करना है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ पर डाउनलोड के सेक्शन में। डाउनलोड के सेक्शन में आपको MT4 और MQH दो चीज़ें दिख रही हैं। ये दोनों फाइल हमारे काम की हैं, इन दोनों फाइल्स को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद MT4 को आपको रन करना है। जैसे ही आप इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे फाइल्स डाउनलोड होनी शुरू हो जाएंगी। नीचे आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रही हैं, MQH की फाइल भी डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपका MetaTrader 4 इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको tm.exe वाली फाइल को डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही ये फाइल इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद इसमें एक आईडी पासवर्ड और सर्वर डालना होता है। आईडी पासवर्ड सर्वर के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिख जाएगा और अभी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं MT4 आईडी पासवर्ड के लिए। आपको हम आईडी पासवर्ड और सर्वर तीन चीज़ें देंगे। आपको वो तीनों चीज़ें यहाँ पर डाल देनी है MT4 में जाके। किस तरीके से डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए MT4 मेरा मैंने ओपन किया हुआ है स्क्रीन पर। MT4 में आपको जाना है फाइल में, फाइल के बाद आपको जाना है लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट में। यहाँ पर तीन डिटेल्स मांग रहा है आपसे, लॉग इन आईडी, पासवर्ड और सर्वर। तो आपको लॉग इन आईडी में लॉग इन आईडी डालना है, पासवर्ड जो हम देंगे वो पासवर्ड डालना है और सर्वर में वही सर्वर का आईपी एड्रेस डालना है जो हम आपको देंगे। डायरेक्ट लॉग इन करेंगे तो आपका लॉग इन नहीं होगा कई बार, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सर्वर पे जिस पे आप लॉगिन करना चाह रहे हैं उस पे वो आईडी और पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो वो लॉगिन नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो आईडी पासवर्ड और सर्वर तीन चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे वो तीनों चीज़ें यहाँ पे डाल देनी है। डालने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। और नीचे बॉटम पे जो आपको दिख रहा है 102.0 KB, अगर इस तरीके से KBs में आपकी वैल्यूज आ रही है और ग्रीन और रेड कलर की बार्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब कि आपका जो MT4 है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया और आईडी भी लॉगिन हो गया, यानी कि अब आप लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद आप जो है जाके डेटा में देख सकते हैं कौन कौन से सिंबल्स आपको मिल जाते हैं। उसके लिए कंट्रोल प्लस यू
का बटन प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्लस यू का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ग्रुप्स दिखाई देने लग जाएंगे, MCX का, NSC का, जिस भी ग्रुप में आप काम करते हैं, NSC में, MCX में, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए NSC कैश में आप काम करते हैं, तो कैश में ये कैश के सिंबल्स आपको दिख रहे हैं। कैश के सिंबल में आपको आइडेंटिफाई इस तरीके से करना है कि जिस भी सिंबल के आगे लास्ट में हैश लगा हुआ है वो कैश का सिंबल है, और जिसके आगे हैश नहीं लगा हुआ है वो फ्यूचर का सिंबल है। ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। MCX के ग्रुप में आ जाएंगे आप तो आपको MCX के सिंबल मिल जाते हैं। आपको क्रूड ऑयल चाहिए, आपको गोल्ड चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा वहाँ पे वो सिंबल आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आपको दिखने लगेगा मार्केट वॉच की लिस्ट में। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, MT4 आपका प्रॉपरली जब एक बार इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, MQH की जो फाइल है वो यहाँ पर डालनी होगी। MQH की फाइल डालने के लिए आपको यहाँ पे फाइल में जाना है, ओपन डेटा फोल्डर में जाना है। ओपन डेटा फोल्डर के बाद आपको जाना है यहाँ पे MQL4 में, उसके बाद आपको जाना है इंक्लूड्स में, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देनी है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कई बार क्या है लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करके बोलते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो लॉन्ग प्रोसेस है, ये कोई शॉर्ट प्रोसेस स्मॉल प्रोसेस नहीं है एल्गो ट्रेडिंग करने का। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं ये एक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है जो कि आपको सिर्फ एक बार करना होता है। रोज़ रोज़ आपको ये इंस्टॉलेशन फाइल कॉपी पेस्ट ये सब चीज़ें नहीं करना है, ये सिर्फ एक ही बार करना है, और एक बार करने के बाद फिर ये आपके कंप्यूटर में पड़ा रहेगा और आप जब मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है, बताते हम इसलिए वीडियो में ताकि आप वीडियो देखते देखते इन चीज़ों को आराम से अपने आप कर सकें, आपको किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने MQH की फाइल जो है वो पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद एक फाइनल काम और करना है, हमें यहाँ पर टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद हमें ऑप्शंस में जाना है, और ऑप्शंस में जाने के बाद एक्सपर्ट एडवाइज़र में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद ये एक टिक आपको यहाँ पर लगाना है, अलाउ DLL इम्पोर्ट पे, ये टिक लगा के आपको ओके कर देना है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना है MT4 के अंदर, आपकी सेटिंग डन हो चुकी है। अब हमें करना क्या होगा, अब हमें अपना इंडिकेटर डाउनलोड करके यहाँ पर पेस्ट करना होगा, और उसके बाद फिर हमारी एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो चलिए देखते हैं इंडिकेटर को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों यहां पे हमें जाना होगा ब्रिज टूल में, ठीक है। ब्रिज टूल में क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होगा मार्केट प्लेस में। मार्केट प्लेस में अलग अलग इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, जैसे आप देखेंगे टाइम रेंज ब्रेकआउट, सेमी, एल्गो ट्रेडिंग, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर। तो हमें मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का इंडिकेटर चाहिए, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा, इसको हम शो इन फोल्डर करेंगे और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे MT4 के अंदर। किस तरीके से पेस्ट करेंगे दोस्तों, हम जाएंगे फाइल में, फाइल में जाने के बाद हम जाएंगे ओपन डेटा फोल्डर में, और उसके बाद MQL4 में, और उसके बाद इंडिकेटर्स में। यहाँ पर आके हम इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ये इंडिकेटर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखो मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो गया मूविंग एवरेज का इंडिकेटर। तो अब जब मूविंग एवरेज का इंडिकेटर पेस्ट हो जाए तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे अपनी नेविगेटर विंडो में, और यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दबाएंगे। रिफ्रेश का बटन दबाने से आपका जो ये यहाँ पे दिखने लगेगा मूविंग एवरेज का इंडिकेटर। जो लोग रिफ्रेश का बटन दबाना चाहते हैं वो एक बार MT4 को बंद करके स्टार्ट भी कर सकते हैं। एक बार बंद करके चालू करेंगे उसके बाद नेविगेटर विंडो में आपको ये दिखाई देने लग जाएगा। तो अब ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर आ गया, अब हमें करना है ट्रेडिंग। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी एक चार्ट लगा सकते हैं, जैसे मैं सिल्वर माइक्रो का चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मैंने सिल्वर माइक्रो का चार्ट लगा दिया। सिल्वर माइक्रो के चार्ट में कोई भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हो, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, उसके हिसाब से सिग्नल्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे। उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से सिग्नल कहाँ कहाँ कैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिग्नल लगा के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिग्नल लगाने के लिए यहाँ पर इनपुट्स आ गए हैं, सारे इनपुट्स हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। अब हम इनपुट्स के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहला इनपुट है दोस्तों फर्स्ट मूविंग एवरेज। फर्स्ट मूविंग एवरेज का मतलब फास्ट मूविंग एवरेज जो आपको लगानी है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में दो अलग अलग मूविंग एवरेज होती हैं, एक फास्ट मूविंग एवरेज होती है, एक स्लो मूविंग, यानी कि एक कम पीरियड की मूविंग एवरेज होती है, एक ज्यादा पीरियड की मूविंग एवरेज होती है। तो जो कम पीरियड की होती है उसको हम फास्ट मूविंग एवरेज बोलते हैं, जो ज्यादा पीरियड की मूविंग एवरेज होती है उसको हम स्लो मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो सबसे पहले फास्ट मूविंग एवरेज का पीरियड क्या रखना है, अभी यहां पे आप कोई भी पीरियड रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रखना है 25, ठीक है, 25 पीरियड्स की। तो पिछले भी 25 पीरियड्स की मूविंग एवरेज के हिसाब से कैलकुलेशन करके ये आपको लाके रिजल्ट देगा। उसके बाद देखो एक नोट है, यहाँ पे नोट में लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 का मतलब है, 0 का मतलब है स्मॉल मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज, 1 का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 2 का मतलब है स्मूथ मूविंग एवरेज, और 3 का मतलब है लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज। आपको जो भी मूविंग एवरेज लगानी है वो आप नीचे मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। मोड में आपको 1, 2, 3 या 0 जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। फिलहाल हम एक्सपोनेंशियल को यूज़ करेंगे तो हम 1 ही रहने देते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी मूविंग एवरेज, यानी कि जो मैंने आपको बताई थी स्लो मूविंग एवरेज। स्लो मूविंग एवरेज के पीरियड में जो भी आपको डालना है, मान लीजिए मुझे डालना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ,
ठीक है, तो 40, 25 और 40 की मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हमें मान लीजिए चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, नीचे उसके मूविंग एवरेज के बारे में ऑप्शन आ रहा है कि इसमें कौन सा आपको सिलेक्ट करना है मोड, तो मोड हमने इसमें भी एक्सपोनेंशियली सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे वो है बाय एंड सेल। बाय एंड सेल का मतलब है कि आपको बाय और सेल की रेगुलर ट्रेड्स करनी है, तो आप बाय एंड सेल सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ बाय या सिर्फ सेल करना है, तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे, नीचे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे ओनली बाय ओनली सेल के। अगर आप ओनली बाय यानी कि आपको लगता है कि भाई आज मार्केट जो अप ही जाएगी, आज मार्केट बुलिश ही रहेगी, तो आप ओनली बाय सिलेक्ट कर सकते हो। ओनली बाय जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ मार्केट जब ऊपर जाएगी तो बाय का सिग्नल आपका ले लेगा, और जब भी सेल का सिग्नल आएगा तो आपकी पोजिशन को एग्जिट कर देगा, सेल नहीं करेगा क्योंकि हमने ओनली बाय सिलेक्ट किया। ठीक है, तो उसके बाद जो ऑप्शन है देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑन का ऑप्शन है। स्टॉप लॉस ऑन, अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो आप स्टॉप लॉस को ऑन कर ट्रू कर देंगे यहाँ पे फॉल्स की जगह, और उसके बाद वैल्यू लिख देंगे। टेक प्रॉफिट ऑन पे आपको ट्रू कर देना है अगर आपको टारगेट चाहिए तो, और उसकी वैल्यू लिख देनी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रू कर सकते हैं, और जो टेक स्टॉप लॉस की वैल्यू है उसके हिसाब से ये ट्रेल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग की सेटिंग्स, यानी कि हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जो कि हमारा एल्गो क्रैप का है, जो हमने लॉगिन किया, जो हमने क्रिएट किया था एल्गो क्रैप पे, वो हमें यहाँ पर डालना होगा। तो अभी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपना आईडी पासवर्ड। आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है एपीआई ट्रेडिंग ट्रू फॉल्स, कि आपको एल्गो ट्रेडिंग चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आप इसको फॉल्स करेंगे तो ये एल्गो ट्रेडिंग नहीं करेगा, और अगर आप इसको ट्रू करेंगे तो यूज़र की और इंस्ट्रूमेंट की आपको डालनी पड़ेगी। अब यूज़र की और इंस्ट्रूमेंट की हमें कहाँ से मिलेगी, उसके लिए हमें जाना है एल्गो क्रैप के प्लेटफॉर्म पे वापस, और यहाँ पे जाना है MT4 ब्रिज में। MT4 ब्रिज में हमें यूज़र की और इंस्ट्रूमेंट की मिल जाती है। ठीक है, तो यूज़र की और इंस्ट्रूमेंट की आपको मिलती है MT4 ब्रिज में जाने के बाद, मेटा ट्रेडर MT4 ब्रिज में जो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको कोई क्रिएट भी करना है सिंबल तो आप कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मुझे करना है सिल्वर माइक्रो का, तो मैं सिल्वर MIC लिखूंगा, तो ये सिल्वर माइक्रो के जो लेटेस्ट कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर चाहिए जून का फ्यूचर, तो मैं जून का फ्यूचर लिख के सेलेक्ट करके सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पर एक और कॉलम आ जाएगा। इस कार्ड में जब आप देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सिंबल को स्टार्ट कर देना है अगर हमें ट्रेडिंग करना है तो। अभी फ़िलहाल के लिए मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, यूज़र की हमें कॉपी करनी है, ऊपर से जो यूज़र की का कॉपी का बटन आ रहा है इससे हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके हम अपनी स्ट्रेटजी में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मैं दोस्तों बार बार आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ये वन टाइम प्रोसेस है, क्योंकि अगर आपने इंडिकेटर एक बार लगा दिया, सेट कर दिया, उसके बाद आप पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। पैरामीटर चेंज करना चाहते हैं यूज़र की इंस्ट्रूमेंट की, तो सेम रहेंगी, आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार उठा के लाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नया सिंबल लगाएंगे, जब आप नए सिंबल की सेटिंग करेंगे, सिर्फ तभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जनरली यूज़र 4-5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सिंबल को सिलेक्ट करके रखते हैं। ज़्यादातर लोग जो है 2-3 सिंबल में ट्रेड करते हैं, तो एक बार जो सेट कर लिया वो रह जाता है, फिर उसके बाद बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, क्वांटिटी का ऑप्शन डालना है। अगर आप MCX में ट्रेड करते हो तो आपको 1, 2, 3 जिस तरीके से लॉट साइज है वही डालना है, लेकिन अगर आप NSE NFO में ट्रेड करते हो तो आपको लॉट क्वांटिटी डालनी होगी। यानी कि अगर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो 25, निफ्टी में 75, SBI के फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आपको 3000, इस तरीके से आपको प्रॉपरली डालना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको ओके कर दिया। तो जैसे हम इसको ओके करेंगे उसके बाद ये चार्ट विंडो में हमें सारी डिटेल्स दिखाना शुरू कर देगा कि अभी आप देख सकते हैं कि इसमें सिग्नल्स आ रहे हैं। सेल का सिग्नल बना था, उसके बाद ये बाय का सिग्नल है, उसके बाद सेल का। पीछे भी आप मूवी घूम के देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिग्नल्स दिखेंगे, और भी सिग्नल्स आप देख सकते हैं, बाय का सिग्नल यहाँ पर आया था, सेल का सिग्नल। तो इस तरीके से जब भी ये सिग्नल आएगा उस पर ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड हो जाएगा। क्या होता है जनरली जब हम मूविंग एवरेज पे ट्रेड करने जाते हैं तो टाइम लग जाता है, क्योंकि हम चेक करते हैं वो अलर्ट आता है, उसके बाद देख के अपने ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर के पास जाने के बाद फिर वो प्लेटफॉर्म में बाय सेल के बटन दबाते हैं, एंटर मारते हैं, उसमें स्लिपेज काफ़ी ज़्यादा आती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि तुरंत के तुरंत ट्रेड हो जाएगा, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, जैसे ही सिग्नल बनेगा तुरंत ट्रेड हो जाएगा, एक सेकंड के अंदर अंदर आपका ट्रेड अंदर वहाँ पे आपके ब्रोकर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये था कि मैंने आपको दिखाया कि मैन्युअली किस तरीके से इन चीज़ों को लगा के सेट करना है, किस तरीके से सेटिंग करनी है इन सब चीज़ों की। अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है तो आपका जो एल्गो क्रैप का प्लेटफॉर्म यहाँ पे ये स्टार्टेड होना चाहिए। ठीक है, अगर स्टार्टेड नहीं होगा तो ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, अगर स्टार्टेड होगा तो ट्रेड होगा। अब मैं आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ अभी मैं करने जा रहा हूँ वो सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको बहुत क्विकली ट्रेड करके दिखाना है। सिर्फ एक मिनट के अंदर या दो मिनट के अंदर आपको ट्रेड करके दिखाना है, इसलिए मैं कुछ ऐसे पैरामीटर्स यूज़ करूँगा जिनमें बहुत जल्दी ट्रेड बने, और ट्रेड बनने के बाद मैं आपको दिखा पाऊँ कि ट्रेड किस तरीके से लेता है प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है क्योंकि वो प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं होती है, उसमें प्रॉफिट नहीं आएगा, नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप वो चीज़ नहीं करिएगा। ठीक है, देखते हैं हमें क्या करना है। मैं यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया, मैंने इसको चार्ट का टाइम फ्रेम 1 मिनट सेट कर दिया है।
अब मैं इसके पैरामीटर्स भी चेंज करूँगा ताकि ये बहुत जल्दी से सिग्नल जनरेट, क्योंकि अगर 25-40 रखूँगा तो ये ट्रेड नहीं करेगा। अब मैं इसको 2 और 4 कर देता हूँ, यानी 2 पीरियड की और 4 पीरियड की मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको सेट कर दिया। तो दोस्तों एल्गो क्रैब में भी सेटिंग कर दिया, इसको स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ पे भी सेटिंग कर दिया, इसको 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर दिया। तो आप देखते हैं कि इसमें सिग्नल कब जनरेट होता है। जैसे सिग्नल जनरेट होगा ट्रेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। थोड़ी देर हम वॉच करते हैं इसको, जैसे नया सिग्नल आता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ट्रेड हो गया है, ये मैंने आपको दिखाया था कि ट्रेड होगा, ये देखिए यहाँ पे ट्रेड हो गया, बाय का सिग्नल आ गया और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ गई नीचे, सक्सेस फ्रेश ट्रेड लिखा हुआ आ गया। अब हम अपने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री का बटन है ये जो ग्रे कलर का, इसको अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ गया। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये सक्सेस की इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है, ये देखोगे आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या ऑर्डर आई डी है क्या है। अगर हम चाहें तो अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाके देख सकते हैं, अब हम अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाके देखेंगे, ठीक है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ऑर्डर्स लग रहे हैं इसमें, बाय सेल के जो ऑर्डर्स रिजेक्टेड हुए हैं अभी, ये सारे ऑर्डर्स जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं और प्लेटफॉर्म से ही ट्रेड हुआ है। तो ये था दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से आपको सेटिंग करनी है इस चीज़ की। अगर आपकी कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के नंबर्स पर, या हमें कॉल कर सकते हैं। और आशा करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और एल्गो क्रैब के प्लेटफॉर्म पर जाइएगा, वहाँ आपको 6 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है, फ्री ट्रायल लीजिएगा, चेक कीजिएगा किस तरीके से स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।